कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लुधियाना पंजाब में जनता को संबोधित किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में राहुल ने कहा कि ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि ये संविधान गरीबों की आवाज है। राहुल ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, किसानों को गारंटी से कानूनी MSP देने का काम करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वायदों को भी राहुल ने दोहराया और कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। ये जो चुनाव है ये संविधान को बचाने का चुनाव है। ये संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, ये संविधान हिंदुस्तान के गरीबों की आवाज है। चाहे रिजर्वेशन हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, चाहे गरीबों के अधिकार हो, धार्मिक अधिकार हो, जो भी आपको मिले हैं वो इस संविधान से मिले हैं। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार क्या करने जा रही है। किसानों के लिए हम तीन काम करने जा रहे हैं। जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, पहला काम हम पंजाब के किसानों का, हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, चुनाव के बाद 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी और हम किसानों को पहली बार गारंटी करके कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में मैं 4000 किलोमीटर चला, पंजाब से भी निकला और हजारों लोगों से मेरी बात हुई, किसानों से, मजदूरों से, छोटे व्यापारियों से, बेरोजगार युवाओं से। हमारा जो मैनिफेस्टो बना है वो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं है, वो हिंदुस्तान के किसानों की आवाज है, मजदूरों की आवाज है, बेरोजगार युवाओं की आवाज है, उनकी आवाज। भारत जोड़ो यात्रा में जो उन्होंने हमसे कहा और न्याय यात्रा में जो उन्होंने हमसे कहा, भारत की जनता ने कहा, वही हमने मैनिफेस्टो में डाला है। आज मैं आपको 2-3 क्रांतिकारी कामों के बारे में बताने आया हूं। सबसे पहले और सबसे ऐतिहासिक काम, महालक्ष्मी योजना। हिंदुस्तान के गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी, हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और हर महीने उस महिला के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए इंडिया की सरकार डाल देगी। करोड़ों परिवारों को महीने का 8,500 रुपए, साल का 1,00,000 रुपया इंडिया की सरकार देने जा रही है। किसानों की बात मैंने करी, मजदूरों की बात करना चाहता हूं। मजदूरों को मनरेगा में नरेंद्र मोदी जी 250 रुपए देते हैं। 5 जून इंडिया गठबंधन की सरकार मनरेगा में 400 रुपए मजदूरों को देने जा रही है। और आशा और आंगनवाड़ी में जो महिलाएं काम करती हैं, जो भी उनको आज मिलता है आप लोग उसको डबल कर दीजिए, उनको हम दुगना पैसा आशा और आंगनवाड़ी की महिलाओं को 5 जून के बाद देने जा रहे हैं। युवाओं की बात करना चाहता हूं तो आज हालत यह है कि हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता, तो हम इनके लिए 2-3 काम करने जा रहे हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, 30,00,000 सरकारी रोजगार खाली हैं, हमने आंकड़े निकाले हैं। ये 30,00,000 सरकारी रोजगारों को हम भर के आपके हवाले करने जा रहे हैं। बेरोजगार युवाओं को हम पहली नौकरी पक्की का अधिकार देने जा रहे हैं। पहले हमने मनरेगा में रोजगार का अधिकार दिया, गरीब परिवारों को बहुत फायदा मिला। इस बार हम 400 रुपए मनरेगा का 400 रुपए पैसा बढ़ा रहे हैं, मगर जो ग्रेजुएट्स होते हैं, कॉलेज ग्रेजुएट्स, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स, वो मनरेगा का काम नहीं करते, तो इस बार हम ग्रेजुएट्स के लिए एक नया अधिकार ला रहे हैं, पहली नौकरी पक्की। अब हम आपके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डालने जा रहे हैं। लाखों करोड़ रुपए महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा, युवाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा, किसानों को सही दाम मिलेगा उनके बैंक अकाउंट में जाएगा, मजदूरों को पैसा मिलेगा उनके बैंक अकाउंट में जाएगा। यह पैसा
आप शहरों में, गांव में, हिंदुस्तान में खर्च करोगे, पंजाब में खर्च करोगे। जैसे ही आप ये पैसा खर्च करोगे, अलग अलग चीजें खरीदोगे, शर्ट खरीदोगे, पैंट, मोबाइल फोन, कैमरा, स्कूटर, मोटरसाइकिल, जैसे ही आप ये चीजें खरीदोगे, हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां ये चीजें बनाना शुरू करेंगी और उन्हीं फैक्ट्रियों में हिंदुस्तान के युवाओं को एक बार फिर रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा और एक बार फिर देश में रोजगार पैदा होगा। आप सब यहां आए, इसके लिए आपको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय पंजाब।